अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बनाने जा रही हूँ सनम किचन एंड डेली रूटीन में डबल स्टाइल दाल माश। तो फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे दाल मैंने अच्छे से साफ़ करके और मैंने भिगो के रख दी थी। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हरा धनिया मैंने लिया है, टमाटर मैंने एक अदद बड़े साइज़ का ले लिया है, हरी मिर्च मैंने 2 से 3 अदद ले लिए हैं, प्याज मैंने 1 अदद लिया है। यहाँ पे मैं कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। धनिया पाउडर मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। नमक मैंने हसबे ज़रूरत लिया है। कुटी लाल मिर्च मैंने 1.5 टेबल स्पून लिए है। हल्दी पाउडर मैंने 1/2 टेबल स्पून लिए है। ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम अपना कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे दाल माश बना रहे हैं डबल स्टाइल। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज जो है ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। आपको खोलो। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको भी हम लाइट ब्राउन सा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अपने कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम अपने मसाले ऐड करेंगे। और इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी से ही अच्छे से खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है, हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें अपनी दाल ऐड करेंगे। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 कप के करीब, ताकि हमारी दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। अब फ्रेंड्स, हम इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए लो स्टीम पे रखते हैं, ताकि हमारी दाल अच्छे से गल जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल जो है वो अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया।
हरी मिर्च और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी दाल जो है वो कम्प्लीटली से रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हम अपने फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी दाल बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी दाल जो है ढाबा स्टाइल दाल जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।